एवरीवन, दिस इज नीरज एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सेलेक्ट टू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ टाइड पॉड के बारे में। टाइड पॉड जो है एक काइंड ऑफ डिटर्जेंट है और बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में है डिटर्जेंट्स में, सो मैंने सोचा क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए और देखते हैं इसके रिजल्ट कैसे रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कंप्लीट डेमो, कैसे आपको टाइड पॉड्स का इस्तेमाल करना है, क्या इसका प्राइस है, कौन सी मशीन में इसका इस्तेमाल होता है, हैंड वॉश में इसका इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है। कंप्लीट जितना भी इन्फॉर्मेशन है टाइड पॉड्स के बारे में वो मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। यहाँ ये इसका अच्छा सा बॉक्स हुआ है, इस तरह ओपन होता है और बॉक्स के अंदर ये इस तरह का एक पॉलीबैग का पैकेट है। इसके अंदर वो इस तरह कुछ आते हैं। इनकी इसकी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत अच्छी है, कुछ कुछ इस तरह से है जो पहले च्यूइंग गम्स आते थे, बबल गम्स आते हैं, कुछ कुछ स्मेल वैसी है इसकी। तो मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ, ये कुछ ऐसा दिखता है। पैकेट बंद कर देती हूँ क्योंकि इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि जब भी आप इसको इस्तेमाल कर ले तो उसके बाद इसको लॉक करके रखें। तो ये इस तरह का है। यहाँ इसके अंदर तीन कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, एक में बड़े वाले में ये ब्लू कलर का लिक्विड है और एक में ये डार्क ब्लू और एक में ये वाइट कलर का लिक्विड है दिए हुए हैं। उनका यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, मैट्रिक्स 3-in-1। फर्स्ट जो है ये वाइटनिंग देता है, उसके बाद स्ट्रेन रिमूवल है और उसके बाद ब्राइटनिंग है। ये 3-in-1 इफेक्ट आपको एक ही वॉश, एक ही प्रोडक्ट जो है वो आपको 3-in-1 इफेक्ट देने वाला है, ऐसा इसके ऊपर लिखा गया है। टाइड पॉड्स का आपको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सिर्फ और सिर्फ मशीन वॉश के लिए बना हुआ है, हैंड वॉश के लिए नहीं है। पॉड्स का इस्तेमाल आप किसी भी तरह की मशीन में कर सकते हैं, चाहे वो फ्रंट लोड हो या फिर टॉप लोड हो। इसका आप हैंड वॉश में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये हैंड वॉश के लिए नहीं बना है। इसके ऊपर साफ साफ मेंशन है कि आप इस पैकेट को जो है वो टियर नहीं कर सकते। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी मशीन के बकेट में इसको डालना है, खाली बकेट में इसको डालना है और उसके ऊपर आपको जितने भी कपड़े वॉश करने हैं वो डाल लें। और रेगुलर जिस तरह से आप अपने कपड़े वॉश करते हैं मशीन के अंदर वैसे वॉश कीजिए। कोई भी डिटर्जेंट और कोई भी फैब्रिक सॉफ्टनर या और कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट टाइप इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक पॉड आप डाल लीजिए। और मीडियम लोड के लिए ये एक पॉड इनफ रहेगा और अगर लोड कुछ ज़्यादा है तो आपको दो पॉड्स का इस्तेमाल करना होगा। इसमें जो दिया गया है आप मिक्स कपड़ों को भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक वाइट्स एंड कलर्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ये जो है उनके ऊपर रंग नहीं आने देगा, ऐसा इसके ऊपर मेंशन किया गया है और मैंने यूज़ भी करके देखा है जो कि एक अच्छा रिजल्ट देता है। पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने पहली बार इनको इस्तेमाल किया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि शायद मैंने लोड को ज़्यादा डाल दिया था और सिर्फ एक ही पॉड इस्तेमाल किया तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं आया। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने इस बात को ध्यान रखा कि मैं मीडियम लोड यूज़ करूँ तो एक डालूँ और अगर हैवी लोड यूज़ करूँ तो दो डालूँ। जब मैंने मीडियम लोड के साथ इसको इस्तेमाल किया तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। जो शर्ट्स वगैरह के कॉलर गंदे होते हैं, कफ्स वगैरह गंदे होते हैं, वो बिल्कुल क्लीन निकले इसके साथ। और जो कलर्ड कपड़े थे वो भी काफ़ी अच्छे धुले थे। ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छी क्लीनिंग इसने दी, जैसा कि इसका क्लेम है वो बिल्कुल अच्छे से इसने पूरा किया। सबसे पहले इसके ऊपर मेंशन है कि आप किस किस केसेस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर साफ लिखा गया है कि आप वूल, सिल्क और प्री वॉश के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग कपड़े वॉश करते हैं तो कुछ कपड़ों को हम पहले ही डिटर्जेंट में सॉक करके रख देते हैं, तो सॉक करने के लिए पॉड्स का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसको आपको वुलन के लिए और सिल्क के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना है।
साथ में इसमें लिखा गया है कि आपको किसी भी कंडीशन में इस पैकेट को टियर नहीं करना है, इसको ब्रेक नहीं करना है, आपको इसको एज इट इज मशीन के अंदर रखना है। आपको जो ये पोर्ट्स हैं किसी और कंटेनर में ट्रांसफर नहीं करना है, ये इसका कंटेनर है, इसी के अंदर आप इसको रख सकते हैं। आपको हर वॉश के बाद अच्छे से इसको एयर टाइट पैक करना होगा और इसी बॉक्स के अंदर आप इसको रखें, ट्रांसफर ना करें। जब भी आपको पोर्ट्स को इस्तेमाल करना है तो आपको ड्राई हैंड से इसको इस्तेमाल करना है, वेट हैंड्स का इस्तेमाल ना करें। तो मीडियम लोड के लिए आपको एक पोर्ट का इस्तेमाल करना है और अगर लोड हैवी है तो आपको दो पोर्ट्स का इस्तेमाल करना है। 740 रुपीज़ में 32 पीसेज आते हैं, यानी एक पीस का जो प्राइस है वो 23 समथिंग पड़ता है, 23-24 के अराउंड पड़ेगा। और अगर मीडियम लोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो 23 रुपये का एक वॉश होगा, और अगर हैवी लोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो दो पोर्ट आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे और 46 रुपीज़ का एक वॉश आपका होगा। और अगर आप डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, ये सारे डिटर्जेंट ये इससे काफ़ी कम प्राइस में पड़ेंगे, एक वॉश की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है उनकी। सो कंपैरेटिवली अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लगा। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अगर बजट वाइज आपकी पॉकेट में ये फिट होता हो तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करें। बजट वाइज अगर हम बात करें तो मुझे ये काफ़ी कॉस्टली लगा, इसी के काफ़ी अच्छे ऑल्टरनेटिव्स आपको मिल सकते हैं। 740 रुपये का जो डिटर्जेंट है वो मुश्किल से 20 दिन चलने वाला है, रेगुलर वॉश करेंगी तो मुश्किल से 20 दिन ये चलेगा। और अगर 740 रुपये के आप डिटर्जेंट्स लेते हैं, सारे अच्छी कंपनीज के डिटर्जेंट है, सर्फ एक्सल मैट्रिक्स और टॉप लोड फ्रंट लोड के लिए, और एरियल जो है टॉप लोड के लिए, जो और लिक्विड डिटर्जेंट्स वगैरह इन सबको इस्तेमाल करेंगे तो 740 रुपये में आप नियर अबाउट 4 से 5 महीने का डिटर्जेंट आप इजीली आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा मिल जाएगा, आपकी लॉन्ड्री का जो आपके घर में कितने लोग हैं, कितने ज़्यादा आपको कपड़े वॉश करने होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको मशीन वॉश ही करना है, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको हैंड वॉश की ज़रूरत होती है। तो डिटर्जेंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको हैंड वॉश के लिए कुछ भी अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइड पॉड अगर आप यूज़ कर रहे हैं और आपको हैंड वॉश करने के लिए चाहिए तो आपको अलग से डिटर्जेंट परचेज करना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रंट लोड के लिए सर्फ एक्सल मैट्रिक्स का ये स्पेशली फ्रंट लोड के लिए बना हुआ है, ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है और इसका प्राइस है ये 215 रुपये का है। एक ये है लिक्विड मैट्रिक्स डिटर्जेंट है, ये लिक्विड डिटर्जेंट है और ये टॉप लोड फ्रंट लोड मशीन के लिए है। स्पेशली लिखा गया है रिमूव टॉप स्टेन्स इन मशीन में टॉप स्टेन्स रिमूव कर देता है। व्हाइट कपड़ों को भी काफ़ी अच्छे से वॉश करता है, कलर्ड कपड़ों को भी अच्छे से वॉश करता है, उनको डल नहीं करता। ये है एरियल, ये जो है मैंने ऊपर से कट किया हुआ है, इसे आपको उल्टा दिखेगा। तो ये 1.5 kg का है और इसका प्राइस है 280 रुपीज़, इसका प्राइस है 280 रुपीज़। ये बेसिकली टॉप लोड मशीन के लिए है। मेरी जो मशीन है उसको वो ड्यूल है, उसमें टॉप लोड भी है और फ्रंट लोड भी है, तो मुझे दोनों टाइप के सर्फ रखने होते हैं। तो ये जो है ये टॉप लोड की मशीन के लिए है और हाँ, आप इन सब से जो है हैंड वॉश तो कर ही सकते हैं। और अगर आप टाइड पॉड्स को इस्तेमाल करें तो आप दिमाग में यही सोच के चलेंगे कि इतना महंगा आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कुछ अच्छा ही रिजल्ट आएगा, तो कुछ भी अद्भुत टाइप का नहीं आएगा इसके अंदर। आप डिटर्जेंट से भी यही रिजल्ट ले सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटर्जेंट यूज़ कीजिए, डेफिनेटली आ जाएगा। और लिक्विड वॉश हैं, फैब्रिक सॉफ्टनर्स हैं, आप इन सब का यूज़ करेंगे तो प्राइस में इससे कम पड़ेगा, रिजल्ट बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है। उनको भी इस्तेमाल करने में कोई भी झंझट नहीं है, ये अगर वन स्टेप वॉश है तो वो भी वन स्टेप वॉश ही हैं, डिटर्जेंट्स डालने में सब ये वन स्टेप वॉश ही पड़ेंगे। साथ में जब मैंने इसको पहली बार इस्तेमाल किया तो जैसा जो रीज़न लेके मैंने ये प्रोडक्ट को परचेज़ किया था वो ये था कि मैं बहुत सारे कपड़े डालूंगी और एक पॉड डालूंगी और बहुत अच्छे वॉश होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं निकला। कपड़े 7-8 कपड़े धोने में ही ये मीडियम लोड मानता है और अगर उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला। सो ऑल एंड ऑल ये एक ड्रॉबैक मुझे इसका लगा। और अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको इस्तेमाल करें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। सो ये था आज की वीडियो और ये था टाइड पॉड के बारे में सब कुछ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।